खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे ओडिशा पाई स्वर्ण आनी आराध्या एवं सोहिनी टेनिस रे डबल्स रे गोल्ड मेडल जीति आम सहित वर्तमान अच्छा आराध्या आम सहित कथ हा केमी कौन एक्सपीरियंस और स्वर्ण जीतला केमी से फिल कर आराध्या वेलकम टू रिपोर्टर्स टुडे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने तुमने ओडिशा के लिए गोल्ड मेडल जीता था कैसा एक्सपीरियंस था वो I did my very best in the match. The opponents were also playing very good, but from our patience and determination, we had a fruitful result. And we also brought the first gold medal in lawn tennis for Odisha. So I'm very proud, and मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुझे मौका मिल रहा है उड़ीसा को रिप्रेजेंट करने का. Okay. So, मतलब अभी तुम कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हो टेनिस और कहाँ पे और किसके अंडर में तुम टेनिस का ट्रेनिंग ले रही हो? मैं 13 साल की हूँ 13 years एंड मैं 5 to 6 years से टेनिस खेल रही हूँ. मैं बहुत छोटी थी तो मैं फरहान सर FTA टेनिस एकेडमी में अपना पहला टेनिस करियर शुरू किया. अभी फ्यूचर का क्या प्लान है और आगे क्या क्या खेलने का इरादा रखे हो? ओके, मुझे पहला तो है मुझे बहुत हार्डवर्क करना है और मुझे अभी ITF शुरू करना है, ITF इंटरनेशनल सर्किट, और वहाँ अच्छा परफॉर्म करना है और फिर मुझे एक मौका मिलना चाहिए कि मैं जूनियर ग्रैंड स्लैम खेल सकूं. okay. और अपना ITF में रैंक टॉप 100 में लाके कम्पीट करूं. गोल्ड जीतने के बाद OTA हुआ, ओडिशा टेनिस एकेडमी हुआ या फिर ओडिशा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उन दोनों के तरफ से आपको कुछ मतलब जो प्राइज मनी अवार्ड मिला है और वो कितना हेल्प करेगा आपको खेलने में आगे? मुझे बहुत हेल्प करेगा एंड लाइक मुझे इंस्पायर भी करेगा वो बहुत कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड बस मुझे हार्डवर्क कर रहा है एंड मेरे को शो करना है कि मैं कर सकती हूँ. जैसे कि हमें पता है टेनिस एक बहुत कॉस्टली गेम है, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहता है ये सब में? मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं एंड टेनिस में दे आर वेरी सपोर्टिव. लाइक मेरा मैच देखते हैं एंड एवरीथिंग एंड दे आर रियली सपोर्टिव. टेनिस खेलने के साथ जैसे कि अभी बोले तुम्हें 13 साल है, पढ़ाई क्या कर रहे हो और कहाँ पढ़ रहे हो अभी तुम? मैं किट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हूँ एंड मैं अभी 7th में हूँ. पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं बस मेरे, वो खत्म होके मैं और भी अपना लाइक हार्डवर्क और करूंगी टेनिस में. Then how you, अभी जैसे मैंने बोला कि एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम और पढ़ाई ये दोनों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे टाइम निकालते हो ताकि एग्जाम भी अच्छा जाए और खेलने में भी अच्छा रहे? खेलने के बाद मैं लाइक आफ्टर द मॉर्निंग टेनिस रूटीन मैं घर जाके तुरंत फ्रेशन अप होती हूँ, जल्दी से पढ़ाई पे बैठती हूँ एंड आई डू लाइक 3 to 4 hours ऑफ पढ़ाई एंड देन रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है तो रेस्ट करके आई कम बैक टू द कोर्ट एंड वर्क. जिमती आपण मैंने शुणुले पाठ पढ़ा सहित से खेल समय बाहर कर आशा रखी ओडापी आग कोई गर्व आनीदे. भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हृषिकेश आदर्श राउत रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे.